press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi guys, this is Krishnakant Singh. This is Shilpa Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. आज कौन सी वीडियो है? जनान वतन सॉन्ग ऑफ गिलगिट बल्किस्तान. आज हम लोग गिलगिट बल्किस्तान देखने वाले हैं और एक्चुअल में हमने वहाँ की खूबसूरती देखी हुई है थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा देखी है मैंने देखी है बहुत हाँ बहुत सुंदर है बहुत बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं बहुत क्यूटी बाय होते हैं पहाड़ी लोग होते हैं ना जैसे अच्छा। उस टाइप के गिलगिट बल्किस्तान जो पाकिस्तान के मैप में आता है सबसे बड़ा पोर्शन है नीचे के साइड आता है और इसका जो थोड़ा इस साइड का जो एरिया इस साइड तो चलो थोड़ा बहुत है पेड़ वेड़ मतलब हरियाली है थोड़ी इस साइड पूरा रेगिस्तान है तो इमरान खान एक बार एक वीडियो में बात नहीं कर रहे थे कि वहाँ के वहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ जाता है तो वहाँ के लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है ठीक है लेकिन उसकी ब्यूटीनेस हमको इस सॉन्ग के थ्रू देखने के लिए मिलेगी और ये मेरे को जैसे इस वीडियो में हमने अगर एक वीडियो चूज़ कर रहे थे हम लोग तो हमने जब इसको भागा भाग के देखा तो इसमें जो लोग थे उन्होंने पठानी टोपी पहनी थी तो ये बोलते हैं कि ये भी पठान की वीडियो मैंने बोला कि नहीं यार बलोची लोग थोड़े अलग होते हैं पठान अब मेरे को भी नहीं पता मैं इतना कन्फर्म नहीं हूँ कि बलोची लोग जो होते हैं वो उनको बलोची ही कहा जाता है कि उस बलोचिस्तान के अंदर भी पठान लोग रहते हैं ये हम लोग को थोड़ा कन्फर्म करके आप लोग बता देना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज गिलगिट बल्किस्तान को अगर आप उस प्लेस से हमारी वीडियोस देख रहे हो तो कर दो इसे लाइक और सब्सक्राइब हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट बहुत अच्छी वीडियो है इस वीडियो की हमने परमिशन के लिए मेल किया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया अभी हर चाहत का उन्वान वतन है शान आ रहा है यहाँ पे आगे लाइव पे और देखो बादल टच हो रहे हैं बाहर इतना नीचे वो भी ऐसी जगह रहो क्या मजा आएगा एडवर्टाइजमेंट है क्या नेटवर्क और फोन दिखा रहे हैं मतलब हाँ वो बार बार नेटवर्क दिखा रहे हैं क्योंकि 3G कॉलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से 4G कॉलिंग कर सकते हैं लाइव आ सकते हैं यहाँ से लेकिन साथ ही साथ एक जो ब्यूटीनेस को एक्सप्लोर किया है यहाँ के लोग थोड़े मॉडर्न है ना वो भी इंस्ट्रूमेंट ही पठानी है क्यों ना तुम्हें से प्यार करूं इस मिट्टी को गुलजार करूं मैं नहीं बोल रहा हूं तुझसे मेरी पहचान वतन ए जान वतन ए गिलगित बल्किस्तान वतन सुपर सॉन्ग और सॉन्ग उर्दू में है हम समझ सकते हैं समझ आ रहे हैं इन इंस्ट्रूमेंट तो सारे हमने देखे हैं पास के सॉन्ग में बहुत इनोसेंट है ना इनके ड्रेसेस वगैरह देखे ना कपड़े पानी देखो यार मतलब ऐसा लग रहा है कि माय गॉड क्या जगह है यार नहीं चाइना का वहां से वो आ रहा है ना सूरत सर पर हो तुम इस माटी का झूमर हो
पाकिस्तान का मान दिमाग के लोग मतलब थोड़े ऐसे लगे ए जान वतन पे सुपर जगह है। मतलब अगर हम कभी आना आएंगे ना, मौका मिलेगा तो यार कोई ये जगह हमको विजिट करवा देना। कुछ भी हो यार, नेचर को इतना पास से देखने का फील करने का मौका और किसी को नहीं मिलता। हम यहाँ पे स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये सबको प्रमोट किया है पता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसने फोर जी स्मार्ट टीवी फोन एस नेट सबको प्रमोट किया है। एस पैसा एस सी ओ बाकी उर्दू में लिखा है एस सी ओ तो यही है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। यार ये वीडियो तो ज़्यादा अच्छी लग गई हमको बहुत यार, इसमें जो नेचर दिखाया था ना वो हमारा एकदम दिल। और मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है ना ये जो टूरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा ये मतलब प्रमोट कर रही है। बाय गॉड इसको देख के मैं इतना वो हुआ ना, क्योंकि यार हम लोग सिटीज में रह रहे के ना यार बिल्डिंग देख देख के बोर हो चुके हैं। अब मन करता है कि यार अभी हॉलीडेज पे जाएं, दूर जाएं, ऐसी जगह जाएं जहाँ पर नेचर को फील कर सके। और ये जगह है मतलब यार काश यार हम लोग दो कंट्री के बीच में हम लोग के जो मतलब रिलेशन है वो अच्छे होते, इजीली वीज़ा मिलता यहाँ वहाँ और कोई ऐसा कुछ नहीं होता, इजीली आ जा सकते तो कितना मतलब अच्छा रहता ना यार। मतलब हमको कोई स्पॉन्सर कर देता ना उस जगह से कि हम आपको इस जगह की कोना नहीं छोड़ेंगे, हर जगह घुमाएंगे, आप यहाँ पे रुको 15 दिन रुको। हाँ वो तो पता है बहुत लोग करना चाहते हैं। पाकिस्तान का है वही तो मेन पंगा है, क्योंकि मुझे तुम्हें भी मैं मेल आते हैं शायद काफ़ी, मुझे भी आते हैं इस बात के लिए कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान आइए। लोग तो बोलते हैं डेट बताओ हम वो टिकट भेजते हैं, टिकट का सीन ही नहीं है लेकिन इस जगह की जितनी भी तारीफ करो उतना कम है, बाकी कंफ्यूजन थोड़ा पठान और उसको लेकर भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पठान ही थे वो सब और पठान लोग बोरे बोरे होते हैं तो वो पठान। हाँ लेकिन बलोची लोग भी मैंने सुना है, बलोची बलूचिस्तान में तो बलोची लोग ही रहेंगे ना, जगह पर रहते हैं वो तो है वैसा कुछ बोली कोई नाम से गोरा नहीं होता कि किसी के ऊपर आगे टैग लग गया तो वो गोरा ही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये होता है वही बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें डिपेंड करती है जगह की वजह से, वही मैं बोल रही हूँ ठंडी जगह में रहते हैं इसीलिए। एसी में भी अगर वो रहेगा तो गोरा हो जाएगा, गर्मी में काम करेगा तो काला हो जाएगा। तुम्हारी नहीं ले रहा हूँ मैं, ऐसे बता रहा हूँ इन जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हाँ अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कहीं मुझे सरकास्टिक वे में तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं काफ़ी लोग ऐसे बोलते भी है ना कि नहीं भाई, मतलब कोई ऐसा बोल रहा होगा कि हम पठान का ये होता है, फिर नीचे आके कोई कमेंट कर रहा होगा नहीं भाई पठान बहुत गोरे होते हैं, गोरे ही होते हैं बस। तो ये है कि गोरे काले का जो वो करना है वो सब चीज़ वो डिपेंड करता है स्टेट वगैरह के ऊपर, डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, डिपेंड करता है किस जगह पे रह रहे हो, वो सारी चीज़ें होती है। और कुछ जेनेटिक भी होता है ना, जैसे कि अब बाहर के फॉरेनर्स है वो गोरे होते हैं, अब साउथ अफ्रीका चले जाओ वहाँ के लोग आपको ब्लैक मिलेंगे, है ना, जबकि मौसम वहाँ पे भी ऐसे होगा कि वहाँ पे भी रात दिन रात होती है, वहाँ पे भी आपको ठंडी वाली प्लेस मिल जाएगी गर्मी वाली प्लेस मिल जाएगी, फिर भी वो लोग गोरे होते हैं क्योंकि उनके जेनेटिक ऐसा है। तो और खाने पीने के डाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें बहुत सारा डिपेंड करती है, लेकिन हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बात करते हैं वीडियो की। तो बहुत अच्छा था ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू था, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगता है तो मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनको कोई प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। पर हमने इनको मेल किया, इनका मेल रिप्लाई नहीं आया, तो बस होप यही करेंगे कि स्ट्राइक ना आ जाए, स्ट्राइक ना आए। बाकी हम लोग को तो अच्छा लगा कि ये देख के कि काफ़ी लोग हमको ऐसा कह रहे थे कि भाई आप लोग से पठान की वीडियो ही क्यों बना रहे हो, ऐसा नहीं है, हम सबकी वीडियो बनाते हैं, हमने सिंधी
की भी वीडियोस बनाई हैं, आज हमने देखो गिलबत हमने वीडियो बनाई, इसके अंदर भी पठाना, तो हम क्या करें, पठाना एवरीवेयर पठाना। तो गाइज ये वीडियो आपने देखी और इस तरह की वीडियो हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। किसी ने हमको ईमेल की थी शायद, ये वीडियो याद नहीं मुझे, ईमेल की थी या फिर इंस्टा पे सेंड की थी, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती है कि जो मैं वीडियो देखता हूँ ना उसी टाइम पर, तो उसी टाइम मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने फ़ोन पे ताकि मेरे दिमाग से निकल ना जाए, और ये वो वीडियो में से एक थी, क्योंकि मुझे इसका जो हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सीन ऐसी सीन हमको किसी ने सेंड नहीं किया, ऐसा बहुत है, लेकिन वो थोड़ी बोरिंग वीडियो आती है। जब मैंने सुना कि इसके सॉन्ग भी इतना अच्छा लग रहा है सुनने में कानों में, और हम लोग को गाना एंजॉय करेंगे साथ में, सामने इतने अच्छा सीन चल रहा होगा, तो एक अलग माहौल बनेगा, फिर वो हो जाएगा कि हम लोग उसमें ही खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है वीडियो कितनी खत्म हो गई। ये वीडियो अभी 10 मिनट की भी होती ना, तो फिर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट की भी तो अच्छा था, और वो भी तो ऑडियो और वीडियो दोनों इम्पैक्ट डालता है कहीं ना कहीं, है ना। और अगर आप उस एरिया से, क्योंकि हमने तो काफ़ी ऐसा सुन मैंने ऐसा सुना है कि बलूचिस्तान में इतना डेवलपमेंट नहीं है, इस एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट है, उस एरिया में नहीं है, तो शायद हो सकता है कि नेट की पहुंच कम हो, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट था नेट वाला दिखा रहे थे, पहाड़ियों पे भी 4G चल रहा है, और वो यार वो जो वाटर वाला सीन आया था वो तो मैंने देखा था ना, मतलब वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फोटो पिक्चर वाला, मैंने ऐसा सीन कभी देखा ही नहीं, पता मैंने भी नहीं देखा कि इस तरीके का, मतलब वो ना हमने जो भी अपने लाइफ में रिवर और ये सारी चीज़ें देखी है वो बहुत मतलब इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी ब्लू और इतना परफेक्ट था पिक्चर, ऐसा लग रहा था पिक्चर है वो। और अब वही है कि इस तरीके का मन करता है देखने का, इतना क्लियर क्रिस्प पानी की, मतलब आप ऐसे देखो ऊपर खड़े होकर, नीचे आपको नीचे मछलियाँ भी होंगे ना वो भी दिखाई देंगी, इतना खूबसूरत उस पानी को डायरेक्ट पी भी सकते हैं, इतना क्लियर है सोचो, क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ियों पे से आता है ना, नहीं नहीं पी सकते हैं बहुत सारी जगह पे, अगर तुम अभी यहाँ पे जाओ क्या बोलते हैं लेह लद्दाख जाओ, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी झील आती है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे आई थिंक सो, डायरेक्ट वहाँ की पानी, क्योंकि देखो पानी क्या होता है, पानी जो ऊपर वाला होता है ना, उसके ऊपर पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों से पानी होते हुए नीचे आता है हम लोग के पास नीचे, तो वो आते आते वो रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदे होता है, क्योंकि बहुत सारे जानवर मर जाते हैं उसके अंदर, बहुत लोग फिर नीचे गंदा करने शुरू करते हैं, फिर नीचे आते आते वो पानी गंदा होता है, लेकिन जब तुम ऊपर ही जाओगे तो तुम्हें एकदम प्योर पानी मिलेगा, पॉइंट है ना। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर करने, फिर से बोल रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये जो गिलगित बल्तिस्तान की जो एक इमेज है वो इमेज दुनिया के सामने पोर्ट्रे हो, कि हमारे थ्रू हो, कि भाई बहुत लोग इसके डायरेक्ट वीडियो नहीं भी देखना चाहेंगे, लेकिन रिएक्शन समझ के लोग ज़रूर देखेंगे कि हाँ रिएक्शन हुआ है इसके ऊपर देखते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, और हमारा फेसबुक पेज लाइक करो जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, चैनल को भी करो। तो फिर आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।